हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का जनरल साइंस लेसन नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस लेसन की एक्सरसाइज लेकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें ए है व्हाट इज अ सेल। आंसर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ सेल। बी क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इन अ सेल। आंसर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्की बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन सी, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? आंसर द ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट बी सीन विथ अवर आई बट कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन डी, विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप कौन से है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, अल्गी एंड प्रोटोजोअन आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड। ए है द ऑर्गेनेल्स कॉल्ड द डॉट डॉट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स ओनली। आंसर प्लास्टिड्स। बी क्वेश्चन, गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू डॉट डॉट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आंसर है फर्टिलाइजर्स। सी क्वेश्चन, इन द सेल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ। आंसर है क्लोरोप्लास्ट। डी क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ। आंसर है माइक्रोब्स और सेल ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अस। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस क्या है? आंसर, प्लांट सेल हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल इज लेसर, ग्रैनुलर एंड नॉट डेंस। द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल इज मोर ग्रैनुलर एंड डेंस। देयर इज अ सिंगल लार्ज वैक्यूल लोकेटेड इन सेंटर विच पुश द साइटोप्लाज्म टू वन एंड। एन एनिमल सेल है, द साइटोप्लाज्म इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल। प्लांट सेल है, देयर आर नो लाइसोसोम। और एनिमल सेल, लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल है, द माइक्रोकॉन्ड्रिया आर फ्यू इन नंबर। और एनिमल सेल, द माइक्रोकॉन्ड्रिया आर ग्रेटर इन नंबर एज कंपेयर टू द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल है, सिंगल और मोर बट लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। और एनिमल सेल, वैक्यूल आर फ्यू एंड टेम्पररी फॉर्म। प्लांट सेल है, द वैक्यूल आर फिल्ड अप विद सेल सैप। और एनिमल सेल, द वैक्यूल आर फिल्ड विद फूड और एक्सक्रीटरी मैटर। बी क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आंसर, अभी प्रोकैरियोटिक सेल है, द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट डिस्टिंक्ट। और यूकैरियोटिक क्या है? द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज डिस्टिंक्ट विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोली एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल आर अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज। और यूकैरियोटिक सेल आर अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मटेरियल कम इन कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म नेवर कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। द सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट आर विदाउट मेम्ब्रेन। द सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑलवेज बाउंड विथ मेम्ब्रेन्स।
There is distinct nucleoid in which prokaryotic DNA is present. There is single chromosome. The nucleus is distinct with more than one chromosomes. Mitochondria are absent in prokaryotic cell. Mitochondria are present in eukaryotic cells. Chlorophyll is present in the viscids and not in plastids. Chlorophyll is always inside the chloroplast. Prokaryotic cells are found in blue-green algae and bacteria. Eukaryotic cells are found in highly evolved plant and animals. Question number 4 hai, sketch and describe in your own words the plant cell and animal cell. तो ये रही डायग्राम प्लांट सेल की एंड एनिमल सेल की. अच्छे से स्केच करके लेबल कर लेना है. ओके, एनिमल सेल. ऑल एनिमल आर मल्टी सेल्यूलर. ऑल एनिमल सेल आर यूकैरियोटिक. दे आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड डू नॉट हैव अ सेल वॉल. द कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल सेल आर सेंट्रोइल्स, सिलिया, फ्लैगेला, फ्लैगेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइजोसोम. प्लांट सेल आर यूकैरियोटिक सेल. दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. दे आर सराउंडेड बाय द रिजिड सेल वॉल. प्लांट सेल आर सिमिलर टू एनिमल सेल इन बीइंग यूकैरियोटिक एंड दे हैव सिमिलर सेल ऑर्गेनेल्स. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द यूज एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पहले हम यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द वेस्ट एंड सीवेज वॉटर. बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन दे केप द इन्वायरमेंट क्लीन. फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट बाय दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ बायोगैस प्लांट. द बायोगैस इज प्रिपेयर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द माइक्रोब्स रिसाइडिंग इन द सॉइल एंड इन द रूट nodules of leguminous plant help in biological nitration fixation. This help in increasing fertility of soil and also in increasing the protein content of seeds in legumes. Microorganisms help in formation of curd and other milk based products. The process of fermentation is used for producing alcohol from grains and fruits, bread from flour, as well as the production of acetic acid, citric acid, lactic acid, vitamins, antibiotics. Process like tanning of skin, production of rope, and spring from agave are also done with the help of microbes. Oil slick is cleared with the help of some specific bacteria. Harmful effects of microorganism. अभी microorganism के harmful effects क्या है वो देख लेते हैं. Microorganism spoil the food in hot and humid air. There is fungal attack on food. Microbes produce enterotoxins and cause food toxic resulting into food poisoning. Harmful microbes cause disease in plants, animals, and human. Amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro are caused by water and food-borne microbes. Microbes cause disease like malaria, dengue, elephantiasis, yellow fever, chikungunya, Zika fever, etc. These diseases are called a mosquito transfer the microbe into human body. Common cold, cough, diarrhea, pneumonia, tuberculosis are disease of respiratory tract which are caused by microbes. Give reason. Question A hai, disease spread on a large scale during period of heavy rainfall and floods. हेवी रेनफॉल एंड फ्लड्स के टाइम लार्ज स्केल में डिसीज स्प्रेड होता है, इसका क्या रीजन है? आंसर,
The spread of disease is most likely during heavy rainfall and floods. The water and food gets contaminated. The water logging causes growth of microorganisms and house flies. This spread the pathogens rapidly. Humid atmosphere induces food spoilage even if flood water recedes. The puddle forms help in the breeding of mosquito. All such reasons are responsible for epidemic spread of disease. Question B. There is a possibility of food poisoning if we eat stale food. Answer. The stale food is likely to have microbes in it. Some of the microbes produce exterotoxins. The exterotoxins cause food poisoning. Therefore, there is a possibility of food poisoning if we eat stale food. Question C. Soil is turned over during tilling. Answer. There are some useful bacteria in the soil. They help to decompose organic substances into organic nutrients. Thereby, they produce fertilizers. Some microbes also help in nitrogen fixation. They help the plants to get nitrogen, thus to have better yield of crop. The soil is turned over during tilling to mix the bacteria. Question D. Fungus grows quickly in moist and humid condition. Fungus, moist and humid condition may quickly grow hote hai. Answer. The fungus needs suitable condition for the growth. The moist and humid condition are favorable to it. It does not grow in dry condition. E question. The refrigerator is used in almost every home. Kya reason hai? Answer. The harmful microbes do not grow in cold temperature. They grow only in temperature range of 15 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Refrigerator have very low temperature. Food can be stored there without spoiling. Therefore, to store perishable food items, refrigerator have become essential in every house. Question F. Bread raised during baking. Answer. When the bread is prepared, yeast is added to it. Yeast is a type of fungus. It undergoes process of fermentation in the batter of bread and release carbon dioxide. Therefore, the bread raised during baking. Question G. Fodder is soaked in water before offering the cattle. Answer. By adding the fodder into water, it is fermented. By fermentation, the vitamin contents raised in the fodder, it also became easier for digestion. The cattle is thus well nourished. Therefore, fodder is soaked in water before offering cattle. Question number 7. When will you use a simple microscope and when a compound microscope? Explain in detail how you will use them. Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Like karo, comment karo and share karo. Milte hain next video mein. Bye.